तो भाई नेटफ्लिक्स के ऊपर एक नई मूवी आई है। मूवी का नाम है द क्लोन्ड टायरून। जस्ट अभी फिनिश करी है भाई, सही में क्या माइंड ब्लोइंग मूवी। मूवी की कहानी के बारे में थोड़ी बात करते हैं, फिर इस मूवी के रिव्यू की तरफ बढ़ेंगे और देखेंगे मूवी आपके देखने लायक है या फिर नहीं। तो कहानी स्टार्ट होती है फॉन्टेन नाम के बंदे से, जो कि भाई ड्रग्स बेचता है और अपने व्यापार की वजह से उसके बहुत सारे दुश्मन बन जाते हैं उसकी लोकेलिटी के अंदर। और उन्हीं दुश्मनों में से एक दिन उसकी आके एक दिन कोई जान ले लेता है, बहुत सारी गोलियां मारता है, बंदा मर जाता है शुरुआत में ही मूवी के। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात ये आती है कि भाई अगले दिन वो दोबारा उठता है, उसके शरीर में कोई भी गोली का निशान नहीं होता। उस तो ये जो बंदा है फॉन्टेन, उसको लगता है कि इसने कोई सपना देखा था, तो अपने दोस्तों से मिलने जाता है। लेकिन जब इस पर गोली लगी थी, जब भी मरा था, तो उसके दोस्तों ने भी इसको देखा था। अब इसके दोस्त भी कंफ्यूज है कि ये कैसे हो सकता है, एक मरा हुआ बंदा जिंदा उसके सामने कैसे आ सकता है। तो फॉन्टेन और उसके दोस्त पता लगाने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से वो आज भी जिंदा है। और जैसे जैसे वो ये सब पता लगाने की कोशिश करते हैं भाई, मूवी के अंदर एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक नई नई मिस्ट्री खुलने लग जाती है। अब इस मूवी का नाम पढ़ के आप थोड़ा बहुत अंदाजा तो लगा सकते हो कि भाई मूवी के अंदर ह्यूमन क्लोनिंग का केस दिखाया होता है। लेकिन फॉन्टेन जो कि एक छोटा सा ड्रग डीलर है, उसका क्लोन कोई क्यों बनाएगा और कैसे बना रहा है, क्यों बना रहा है, ये सब जानने के लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी। और दोस्तों बता दूं, ये जो मिस्ट्री होती है फॉन्टेन से स्टार्ट होती है, जैसे मूवी आगे बढ़ती जाती है मिस्ट्री का लेवल और भी ग्रैंड होता जाता है, जो कि भाई मूवी को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाता है और आपको हुक करने में कामयाब जरूर रहता है। रिव्यू की बात करें तो भाई मूवी पर्सनली मेरे को तो भाई काफी ज्यादा एंटरटेनिंग लगी। मैंने भाई मूवी बहुत ही कैजुअली लगा ली थी, मैंने ज्यादा उम्मीद भी नहीं करी थी इस मूवी को देखने में मजा भी आएगा। लेकिन एक सब्सक्राइबर थे जिन्होंने इस मूवी की रिक्वेस्ट करी थी कि इसका रिव्यू शेयर करो, तो मैंने सोचा कि चलो देखते हैं अभी हाल ही की मूवी, तो क्यों नहीं देखा जाए। तो जब देखा तो भाई सही में भाई बहुत ही ज्यादा बवाल लेवल की मूवी लगी। इस मूवी के अंदर डार्क कॉमेडी भी है, इसके अंदर साईफाई का एक्शन भी ऐड हो जाता है। जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ती है भाई, अलग अलग लेवल की मिस्ट्रीज हमको देखने को मिलती रहती है। साथ ही इस मूवी के अंदर कैरेक्टर्स भी बहुत ही ज्यादा एंटरटेनिंग है। तीन ही मेन कैरेक्टर होते हैं, लेकिन भाई जो उनकी लैंग्वेज वो लोग बात कर रहे होते हैं बहुत ही ज्यादा रियल होती है। हिंदी डब की बात कर रहा हूँ मैं, इंग्लिश में उनको नहीं पता, लेकिन हिंदी डब बहुत ही ज्यादा लोकल रखा गया है, जैसे नॉर्मली हमारी दुनिया के अंदर लोग बात करते हैं। गाली गलौज बहुत भर भर के इस मूवी के अंदर। और हाँ दोस्तों, ये भी बता देना चाहूंगा कि अगर ये मूवी देखना कंसीडर करो तो अकेले ही देखना ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि इस मूवी के अंदर नंगपना भी बहुत सारा है, मतलब बहुत सारे कैरेक्टर बाबा नंगे होते रहते हैं। तो हाँ दोस्तों, इस मूवी के अंदर कोई मेजर नेगेटिव मेरे को देखने को ऐसा मिला नहीं जिससे आपको मूवी का एक्सपीरियंस खराब हो, तो मैं ये मूवी आपको देखने के लिए जरूर जरूर रिकमेंड कर सकता हूँ। आपको डेफिनेटली मजा बहुत आएगा इस मूवी के अंदर। और इस मूवी की एंडिंग भी भाई कुछ इस तरीके से करी गई कि आपके बहुत सारे दिमाग में सवाल छोड़ देगी, तो मेरे को लगता है कि शायद इस मूवी का कभी सीक्वल देखने को मिलेगा जिसके अंदर हमको बहुत सारे सवाल अनफोल्ड होते हुए दिखेंगे। फिलहाल अभी जितनी मूवी है उतना देखो, मजा जरूर आएगा आपको, गारंटेड है इस बात को मेरी तरफ से। रेटिंग्स की बात करूँ तो भाई मैं इस मूवी को 8/10 दे सकता हूँ। तो अभी की वीडियो मैं यहीं पर खत्म करता हूँ, अपनी मुलाकात होगी अगली वीडियो में। दिस इज शोरूम साइनिंग ऑफ।